आज जानलेवा सर्दी है और फिर भी इनके फैशन देखिए। चिकंदर खाते यार जाके लोग। ओके ओके। अगरबत्ती नो एनीवन स्पीक इंग्लिश इंग्लिश व्हाट इज दिस खामोश खामोश नो तो यहाँ पे ये देखिए कैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे ये सबील लगी है यहाँ पे। चलिए हम ना चाय पीते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में चाय मिलती होती है यार। यहाँ पे ना ठंड बनी हुई है और ठंड में चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। खास तौर पे इनकी चाय यार, मैं तो आदी हो गया हूँ इनकी चाय पी पी के। वो टेस्ट उसका करके बताऊंगा किस टाइप का। वैसे तो इनका ना फीका मीठा बस यही होता है, चिली वाला कोई निज़ाम यहाँ पे नहीं होता। तो जैसा टेस्ट होगा फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं। अभी ना यहाँ पे बारिश हल्की हल्की होने लगी है और लाइन पे यार मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे ये कोई बहस चल रही है। ख़त्म ओके तो शुक्र। ये देखे जी यहाँ पे ये नूडल्स टाइप यहाँ पे मिल चुके हैं। ये लाइंस लगी हुई है। बाकी अजीब से अजीब जायका पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जायका ऐसे है जैसे ना उबली हुई पालक हो, साथ में चने बॉयल किए हो और थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया हो और सब का वो अजीब सा टेस्ट ऐसा, मतलब हमने कभी टेस्ट ट्राई किया ही नहीं इन सब चीज़ों का मिक्सचर। और ये मसूर की दाल भी इसमें है और भी शायद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना मिक्स हैं लेकिन मिर्चे नहीं है ना, ऐसे नमकीन सा लग रहा है। भाई लोग कंप्लीट कर लिए और यहाँ पे मैं पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं देने वाला। यहाँ पे इसको ये देखे सभी इसी में डाल रहे हैं। कोई भी आपको यहाँ पे ना ऐसे वैसे कोई चीज़ फेंकी हुई यहाँ पे नहीं दिखेगी। लुक एट दिस ब्रदर्स, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ इस्फहान। अभी शाम होने वाली है और यहाँ पे माहौल चेक कीजिए। यहाँ पे कैसे यार लड़कियों को ठंडी नहीं लगती यार, मैं हैरान हूँ इनको देख के। तो यहाँ पे ये खाना तकसीम हो रहा है, ये देखें। चिकंदर चिकंदर ये देखें, जस्ट शोइंग चिकंदर खाते यार यहाँ के लोग, मतलब वो उबले हुए चिकंदर। यहाँ पे ये लेडी क्या कर रही है? अगरबत्ती। ये ना ख़वातीन ने मुझे ये एक चीज़ पकड़ा दी है, एक ख़तनुमा कुछ खत है और साथ में ये अगरबत्ती है। ये यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं, मतलब ये काफ़ी ऐसे जैसे हमारी ज़बान में सबीलें इनको बोलते हैं, तो ये सबीलें लगी हुई हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें तकसीम हो रही हैं, लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं मुझे आई। तो भाई लोग जिसकी तो समझ आ गई है कि अगरबत्ती है और इस चीज़ का यहाँ पे चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्या है, कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है नहीं यार। चलो रूम पे बैठ के समझ कर, रूम पे बाद में देखेंगे। ओके लेट्स गो। ये देखें जी यहाँ पे ये एक चीज़ हमें, ये ड्रेस मिला है लेडीज़ है और इस पे देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे ना नग लगे हुए हैं। तो मैं ज़रा आपको ये देखिए यार, कमाल है यार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ड्रेस आउटसाइड? नो 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 स्कार्फ नो, आउटसाइड डिज़ाइन। It's a very beautiful design and first time we are see. Speak English? Oh. ये देखिए ये ड्रेस यार क्या कमाल है यार। ये देखिए ऊपर ना इतने ज़्यादा मोती जवाहरात यहाँ पे लगे हुए हैं। द स्टोन्स ओरिजिनल, असली असली स्टोन्स फॉर आर्टिफिशियल, नॉट फॉर सेल। ओ ये नॉट फॉर सेल, ओके। इफ यू वांट वी विल मेक इट फॉर यू, दिस इज फॉर गर्ल्स, आई एम जस्ट शोइंग, प्लीज गिव मी। ए पकड़ी दी लम्बी छड़ हसन हो जावे, इसके इतनी शाबा बनती है। यस यस
अभी इसको समझ आई है? समझ आई कि नहीं आई? ओके ओके, ये देखें जी यहाँ पे ये नग लगे हुए, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, द स्टोन्स ओरिजिनल असली? यस असली। जस्ट दिस फॉर सेल फरोख्त? ओके 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 ओके, वो यार ना जस्ट इनको इन्होंने ना दिखाने के लिए मतलब वो सजा के रखे हूँ मैं, विजिटिंग कार्ड लाइक दिस, विजिटिंग कार्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ पसंद आती है तो आप यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। ओके ओके, ओ फॉलोअर्स 35.7K, अमेजिंग यार, ये तो बड़ी पहुंची हस्ती है यार। गुड, थैंक यू फॉलोअर्स, खूबी जी। देखे जी यहाँ पे बाजार सज चुके हैं, शाम का वक्त है, यहाँ पे ऐसे समझिए कि शाम को यहाँ पे दिन होता है, दिन को आपको इतना रश नहीं मिलेगा यहाँ पे, इतने लोग नहीं मिलेंगे, रात के वक्त ना यहाँ पे खूब यहाँ पे गहमा गहमी होगी और लोग अपने घरों से निकल आते हैं, चाहे जितनी भी ठंड हो, आज जानलेवा सर्दी है और फिर भी इनके फैशन देखिए लड़कियों के, ऐसे बन ठंड के यहाँ पे निकलेंगी ना, कईयों ने तो अपने बाल भी खुले छोड़ रखे हैं, कोई परवाह नहीं है, ठंड लगती है लग जाए, लेकिन जो है ना अपनी आदत से वो मजबूर हैं। ओए आगे वहाँ पे माहौल बना हुआ है, वो देखिए वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, कोई ख़ास मेरे ख्याल से इवेंट है इनका, बीबी फातिमा का कोई यार इवेंट है इनका कोई, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है ना, तो ये यहाँ ईरान में है, वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी इतला के लिए कि ये सारे ज़्यादातर यहाँ पर अहले तशी हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारी ख्वातीन हैं, दे आर वूमेन्स टुगेदर हेयर एंड देयर एंड सम पीपल हेयर एंड सम, ये यार पता नहीं क्या चीज़ है, ये थोड़ा आगे चल के देखते हैं, अलम है आई थिंक, ये अलम है, ये ये पेंटिंग बना रहे हैं जी इनका ना, ये पेंटिंग बना रहे हैं सारे मिलके यहाँ पे। यहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं और यहाँ पे ये ना चाय, ये देखें चाय, ये डस्टबिन, यहाँ पे ना कचरा ऐसे कहीं पे नहीं फैलाया जाएगा, चाहे इनका कोई भी त्यौहार हो जो मर्जी हो जाए, अलग एक जगह सेपरेट बनाई होगी वहाँ पे जाके सारे कप वप फेंक देंगे। ये देखें ये खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे मतलब ये आई हैव दूध की चाय बनी हुई है, बड़ी मजे की बनी हुई है कसम से, मेरा दिल कर रहा है दो चार गिलास जो है ना यहाँ पे पी जाऊं मैं। यस ये इतना शुक्र एक ही रह गया था, देखे हमारी किस्मत में, कहते हैं ना रिजक किस्मत में होता है। ये देखें यहाँ पे ये फ्लावर्स हैं, खवातीन ही बैठी हैं आई थिंक, पता नहीं यहाँ पे वीडियो अलाउ है या नहीं है, लेकिन मैं तो बनाया जा रहा हूँ, फ्लश ऑफ कर देता हूँ, तो ये सॉरी ये फ्लावर्स, ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, और ये यहाँ का सीन है, और इस तरफ भी ये दुकानें, सलाम फिल्मिंग नो नो, दिस इज आवर होटल एंड टेल मी एड्रेस, एड्रेस ब्रदर, लोकेशन लोकेशन, इंटरनेट नॉट वर्किंग, यस ओके स्टेट
मुस्तकीम मुस्तकीम नो इंग्लिश कैन यू स्पीक इन इंग्लिश नो एनीवन स्पीक इंग्लिश इंग्लिश तो यहाँ पे ना ये लड़कियाँ हैं जिनके साथ ना हम हंसी मजाक कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं ये एड्रेस बिकॉज यहाँ पे ना फारसी लिखी हुई है तो यार फर्स्ट टाइम ना यार हम लोग यहाँ पे बाहर निकले हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि होटल किस साइड पे दिन को तो आए थे रास्ते का पता था लेकिन जब अब वापस जा रहे हैं ना तो वापसी पे पता नहीं चल रहा कि किस साइड से आए थे ऐसे भूल भुलैया सी लग रही है तो हमने उनसे पूछा तो वो हमें बता रहे थे लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा ना मैप पे तो समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अभी वो हमें ना हमारे साथ साथ चल रहे हैं मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं और हमें वहाँ पे आगे थोड़ा बताएंगे ओके व्हाट इज दिस खामोश खामोश नो बाबा खारे दिए ही ना यू आर वेरी चैन ऑलवेज ओ यार यहाँ पे यार लड़कियां आपस में ऐसे लड़ी जैसे हमारे ना वहाँ पे लड़के लड़ते हैं ना ऐसे एक टीम उनकी एक टीम उनकी तो आपस में ऐसे हाथा पाई मैं वीडियो बना रहा था एक लड़की सीधी मेरी तरफ भागी फिल्मिंग मैंने कहा नो मैंने जल्दी से कैमरा बंद करा मैंने कहा कहीं ना हमारे सर पे ना ये लड़ाई डर जाए तो उनकी कुछ देर लड़ाई वहाँ पे चलती रही एक दूसरे के उन्होंने बाल खींच दिए और कई सारी इधर उधर से लड़कियाँ भागी उनको छुड़वाने के लिए पता नहीं उनमें क्या हुआ तो यार अजीब सा मंजर था तो खैर अभी जा रहे हैं आगे उन लड़कियों को हमने बाय बाय बोल दिया मैंने कहा तुम लोग भी हमें ना डेंजरस लग रही हो इनकी तरह तो लीव मी अलोन हम लोग खुद ढूंढ लेंगे अपना होटल ऐसा ना हो कहीं पे ना इन लोगों की लड़ाइयों में ना कहीं हमारा ना बीच में नाम आ जाए और हम यहाँ पे ब्लैक लिस्ट हो के ना पाकिस्तान में पड़े हों तो यहाँ से निकल रहे हैं अभी मौसम काफ़ी सर्द हो गया है शाम होने वाली हल्की हल्की बारिश हो रही है जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा दरख्तों से पत्ते ये देखिए कैसे गिर रहे हैं हो ये देखिए इतनी तेज़ हवा ठंडी ठंडी चल रही है ओके ओके तो यहाँ पे यार हमारा तो एक मिनट तो ये हमारा कंट्री तो है नहीं जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे चलें फिरें बात करें यहाँ पे हमें बड़े तरीके से ना यहाँ पे चलना पड़ेगा बहुत तो... बड़े बड़े रिस्क लेने पड़े ना भाई तुम तब तो बह के बिस्तरिया च ना पुतले मार के वीडियो देख दे बड़े बड़े रिस्क लेने पड़े ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ ਚਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਆਹੋ ਓਕੇ ਯਾਰ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਪੜਤੇ ਹਮ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਖੈਰ ਅਭੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਕੀ ਤਰਫ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੋਟਲ ਕਾ ਐਡਰੈਸ ਹਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਨਾ ਆਗੇ ਸੇ ਚਲ ਕੇ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਤੋ ਖੈਰ ਇਸ ਵਲੌਗ ਕੋ ਯਹੀਂ ਪੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹੋਟਲ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਹਮਨਾ ਰੂਮ ਪੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਰੂਮ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਤੋ देखे यार माहौल जहाँ का अमेजिंग थैंक गॉड जी यहाँ पे ये मस्जिद की हमने निशानी रखी हुई थी अभी इस मस्जिद के सामने आ चुके हैं अब ये चौक है और वो सामने ना हमारा होटल है हम इस्फहान के बिल्कुल सेंटर में हैं समझ रहे हो ये इस्फहान का बिल्कुल ना शहर का सेंटर बनता है और जहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती है साफ सुथरी रोड और VIP निज़ाम है यहाँ पे ममा ना पजीर इस तरह करके कुछ होटल का नाम है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं ब्रदर्स ये हर वक्त सोते रहते हैं दिन को देखो सो जाते हैं रात को देखो सर्दी लग रही है तो भाई लोग इनको लग रही है ठंड और अभी हमारी गर्मी वहाँ पे उतर जानी थी जहाँ पे सीर बन रहा था तो मिलते हैं फिर आपको कल किसी नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए